नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। हम आज है अशोक लैंड के MNHCV एक्सपो में आए हुए हैं। हमारे सामने ना एक गाड़ी खड़ी है, तो ये गाड़ी खड़ी थी, मैंने बोला चलो यार इस पर एक वीडियो बना देते। तो ये है अशोक लैंड की 1915 बॉस कैबिन में आप देख सकते हैं। बॉस कैबिन की खासियत ये है ना कि कंफर्ट काफ़ी तगड़ा मिलता है। 1915 है, ठीक है। डेक लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 फीट की डेक लेंथ है। मैं आपको साइड व्यू दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो ये रहा इसका साइड व्यू। ई कॉमर्स एप्लीकेशन, उसके साथ साथ वॉल्यूमिनस गुड्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस गाड़ी को आप कंटेनर बना के जो यूज़ कर सकते हो, माइल स्टील कंटेनर, एल्यूमिनियम कंटेनर, रिफर कंटेनर, 30-32 फीट के डेक लेंथ में। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिखाई दिया गया, 1915 HB, ठीक है। तो बॉस कैबिन में है, एंड बॉस कैबिन यार मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कैबिन आज भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो क्या आपको ये कैबिन पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताना। आगे से बात करें तो ये रहा इसका क्लियर लेंस हेडलैम्प्स। तो दोस्तों, बॉस कैबिन का एक हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक लेलैंड की एक रशिया में एक सब्सिडरी है एविया ट्रक्स। तो एविया की जो ट्रक्स है ना, उसमें ये बॉस कैबिन आया करता था पहले। तो वही कैबिन इंडिया में ये लोग बॉस में जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एविया का चाहिए तो यहाँ पर फोटो जो वो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं एविया की ट्रक्स वैसी दिखती है। तो यहाँ पर है ना फॉग लैंप्स है, तो फॉग लैंप्स आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर बेस्ड फॉग लैंप्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नीचे रिफ्लेक्टर सिर्फ सिंगल पीस मेटल का बम्पर है, ठीक है, मार के दिखा रहा हूँ भाई, नहीं तो आप लोग बोलोगे यार क्या बता रहा है। तो यहाँ पर क्लियर लेंस हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स, यहाँ पर बड़ा वाला इंडिकेटर डोर के ऊपर जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा इसका बॉस का ब्रांडिंग यहाँ पर, एंड कुछ इस प्रकार से ये गाड़ी यहाँ से दिखती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। एंड 1915 HB इसका मॉडल नेम है, कुछ इस प्रकार का लेंथ है। ये इसका कैबिन मिरर्स। अभी ना एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, बाहर आने के बाद मैं आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। अभी इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको इसके अंदर चढ़ के दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका डोर, कुछ इस प्रकार से पूरा डोर जो है ना ओपन हो जाता है, वाइड ओपनिंग डोर है। यहाँ पर आपको 3-step एंट्री मिलती है। तो अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पकड़ के आप आसानी से अंदर जो है वो चढ़ सकते हैं। तो अभी कैमरा को बुला लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो कैमरा अपने पास जो है वो आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर है ना इसका स्पीडोमीटर है, ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ एनालॉग भी है, डिजिटल प्लस एनालॉग। यहाँ पर फ्यूल मीटर, RPM मीटर, यहाँ पर RPM मीटर, यहाँ पर फ्यूल मीटर, यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर कोल्ड डॉट का बहुत सारे नोटेशंस, एंड यहाँ पर ना इसका रीजनरेशन का स्विच और हैजर्ड लाइट का स्विच वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ब्लोअर दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको AC भी मिलता है अगर आप ऑप्शन में लेते हो। और कैबिन सच में बढ़िया है, मैं मजाक नहीं कर रहा इस बार, कैबिन सच में बढ़िया है। वहाँ पर से आप विजिबिलिटी देख सकते हो, 3-piece विंडो यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर भी 3-piece विंडो दी गई है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, नीचे अगर बाइक वाला वगैरह हो, छोटी गाड़ी वाला वगैरह हो, तो यहाँ से आपको इजीली दिख जाएगा। ब्लोअर के वेंट्स यहाँ पर दिए गए, इसमें आप AC भी जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्राइवर प्लस 2 का सीटिंग कैपेसिटी जो देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी मिरर है, यहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी मिरर है, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम, अशोक लेलैंड का म्यूजिक सिस्टम जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार का इंटीरियर लेआउट है, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटे मोटे स्टोरेज स्पेसेस, ठीक है, और यहाँ पर भी एक बड़ा ग्लो बॉक्स जो है वो दिया गया है, साथ ही में AC के ब्लोअर के यूनिट, एंड ये रहा इसका गियर लीवर। तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लच का आवाज़ एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका क्लच दबाया और छोड़ा, तो क्लच का प्रेशर का आवाज़ भी काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। तो अभी ना बाहर चलते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर जाने से पहले ना मैं आपको एक और बार इंटीरियर का व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी तगड़ा इंटीरियर आपको इसमें मिलेगा भाई। तो 295/90 R20 20 इंच के ट्यूब वाले टायर्स आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे, ट्यूब वाले टायर्स है। उसी के साथ साथ ये रहा इसका एयर फिल्टर, ठीक है, एंड ये रहा इसका एड ब्लू टैंक। तो यहाँ पर आप डेफ डालोगे, ठीक है। अभी ये IGR प्लस SCR यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन और सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन प्रणाली पर जो इसका इंजन चलता है, अशोक लेलैंड का H-सीरीज 4-सिलेंडर इनलाइन इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जो प्रोड्यूस करता है 150 HP यानी कि 150 HP की ताकत प्रदान करता है। यहाँ पर आपको टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, डीजल फ्यूल टैंक मेटल का है, ठीक है। बजा के इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फाइबर का है, मेटल का टैंक है। प्रोपेलर शेफ्ट यहाँ पर है, प्रोपेलर शेफ्ट के जॉइंट बता दूँ तो फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट एंड फोर्थ जॉइंट। तो और इसके यहाँ पर स्पिंडल भी है, ठीक है, स्पिंडल। तो 4 जॉइंट्स है इसमें। वहाँ पर जो है कूलेंट बॉक्स है, कूलेंट डालिए, गाड़ी को ठंडा रखिए, अपने मन को भी ठंडा रखिए। एंड यहाँ पर जो इसके टायर्स दिए गए दोस्तों, वही सेम अपोलो के 295/90 R20 20 इंच के ट्यूब वाले टायर्स आपको इसके देखने लिए मिल जाएंगे। एंड इसका जो है हब है ना, हब सच में काफ़ी हैवी है, ठीक है, हब काफ़ी हैवी है।
जिसकी वजह से ना आपको ड्यूरेबिलिटी काफ़ी तगड़ी मिलेगी, लॉन्गेविटी मिलेगी एंड गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलेगी। सस्पेंशन की बात करेंगे ना तो पीछे की तरफ आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग मिल जाएगी हेल्पर के साथ, ठीक है, हेल्पर स्प्रिंग भी दी गई है डबल। एंड आगे ना, आगे पैराबोलिक या सेमी इलिप्टिक में कन्फ्यूज हूँ, हाँ आगे पैराबोलिक सस्पेंशन है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं पैराबोलिक लिप स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन आगे की ओर दिया गया है। 30 से 32 फीट का इसका डेक लेंथ है, आई एम कन्फ्यूज्ड, पर फिलहाल इसे 30 फीट अज्यूम करके चलते हैं। लंबी गाड़ी है, बहुत लंबी गाड़ी है भाई, बहुत लंबी, मतलब इतनी लंबी 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 कि इसमें आप पूरे गांव को भर के लेके जा सकते हो, काफ़ी तगड़ी है। मजाक कर रहा था गाइस, बट ग्रेट फॉर योर बिजनेस। पीछे की ओर आपको इस प्रकार के LED बेस्ड रियर टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हिंदुजा ग्रुप, एज यू नो, अशोक लेलैंड इज द फ्लैगशिप ऑफ हिंदुजा ग्रुप। पीछे का रियर बम्पर, यहाँ पर इसकी चैसिस की मोटाई भी काफ़ी तगड़ी है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको अशोक लेलैंड की बॉस 1915, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है यार, मतलब देख लो एक बार इस गाड़ी की लंबाई देख लो यार, काफ़ी तगड़ी है यार, लंबाई देख के मज़ा आ गया। तो अशोक लेलैंड की बॉस 1915 आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी तड़कती फड़कती वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रक टॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।